आज मैं आप सभी लोगों के लिए आलू प्याज के मिक्स पराठे बनाने जा रही हूँ। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं उबले हुए आलू, और आलू को मैंने पहले ही मैश करके रख लिया है। और अब डाली है कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च और प्याज। और अब मैंने डाली है अचार। अचार में आप आम की अचार भी ले सकते हैं या फिर इसकी जगह पर आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। और टेस्ट के हिसाब से डाला है सादा नमक। अब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च और सभी चीज़ों को मिक्स करूंगी। आप स्टफिंग में नमक तभी डालें जब आपको पराठे बनाने हों, नहीं तो स्टफिंग में पानी छूटने लगता है। और अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई मूली की पत्ती। इसको मैंने पहले ही कट करके, धुल करके और अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लिया था, तो इसे मैंने मिक्स करके रख दिया है। और मैदे के आटे को मैंने कुछ देर पहले ही सान कर रख लिया था। और इसमें डाला था आधा चम्मच से कम अजवाइन, आधा चम्मच से कम सादा नमक, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसका एक मुलायम डो बनाकर रख लिया था। अब मैंने बनाई है इसकी लोई और डाली है स्टफिंग, और कचौड़ी की तरह इसे भर कर बंद कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं, और उसी तरह से मैं इस लोई को भी भरकर रख लूंगी। पराठे बनाने के लिए आप आटे को थोड़ा मुलायम ही सान कर रखें। और अब मैंने इसमें लगाया है सूखा मैदा और इस तरह से उंगलियों से इसे हल्का सा प्रेस करूंगी ताकि बेलते टाइम पराठे फटे नहीं। मैदे का पराठा बेलते टाइम हल्का सा फटने लगता है। तो इस पराठे को मैंने बेल लिया है और मीडियम फ्लेम पर तवे को रख दिया है गर्म होने के लिए। अब पराठे का एक तरफ से हल्का सा कलर चेंज होने के बाद मैं इसे दूसरी तरफ पलट दूंगी, और उसी तरह से मैं ये पराठा बेलूंगी। तो ये पराठा भी बेलकर तैयार है। और अब मैं इस पराठे में लगाऊंगी रिफाइंड ऑयल। और इसे पलटने के बाद दूसरी तरफ भी लगाऊंगी रिफाइंड ऑयल। पराठे सेकते समय फ्लेम को आपको तेज नहीं रखनी है। और अब आप देख सकते हैं कि मैदा का पराठा दिखने में कैसा लग रहा है। और अब मैंने डाला है दूसरा पराठा, और इसे पलटने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी देसी घी। अगर आप चाहें तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं। अब देसी घी लगाने के बाद मैं पराठे को इसी तरह से सेक लूंगी, और बीच बीच में इसे प्रेस करते हुए सेकूंगी। तो ये पराठा बनकर तैयार है। और अब मैंने ली है गेहूं के आटे की लोई जिसमें मैंने आलू की स्टफिंग भरकर रख ली थी, और अब मैं इसका भी पराठा बेलूंगी।
अब तवे पर डालने के बाद पराठा एक तरफ से दूसरी तरफ पलट दिया है और लगाया है रिफाइंड ऑयल, और इस पराठे को भी उसी तरह से सेक लूंगी। और इस तरह से बीच बीच में इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करती रहूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पराठा भी बनकर तैयार है, और अब मैं इसे भी उतार लूंगी। और मैंने बनाई है चावल की खीर, इसको भी निकालूंगी इस कटोरी में और गार्निशिंग के लिए डालूंगी कटे हुए पिस्ते। साथ में ली है सॉस, आप खट्टी मीठी चटनी भी ले सकते हैं। और अब मैंने लिए हैं पराठे जिन्हें मैंने अभी बना कर रखा है। अगर आप इस स्टफिंग से गेहूं के आटे के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे फटेंगे नहीं, और अगर आप चाहें तो मैदे से भी ये पराठे बना सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए मिक्स आलू प्याज के पराठे बनकर तैयार हैं।